स्पेशल रहेगी आप लिख किस तरह से स्पेशल होगी? आई थिंक हर दिवाली अपने आप में एक नई स्पेशलिटी लाती है. हर साल द समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू. यू नो, जब दिवाली आप अपने परिवारों के साथ बनाओ तो अलग अलग खुशियाँ होती हैं. कभी आपकी भाई आपका हो गया क्या? आई कंटिन्यू फ्रॉम दैट्स ओके ओके. तो कभी कभी आपके परिवार में नई खुशियाँ आती हैं, किसी के परिवार में नए बच्चे, यू नो, न्यू यू नो एंट्रीज टू द फैमिली होती हैं, कईयों की शादियाँ हो जाती हैं. सो इट्स ऑलवेज आपका परिवार ग्रो होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो आई थिंक जितने लोग हैं जिनके यू नो फैमिलीज हैं उनके साथ आप किसी से भी पूछेंगे तो एक हर नया साल एक नई स्पेशलिटी के साथ आता है. सो वेदर इट इज़ यू नो सक्सेस इन वर्क, सक्सेस इन फैमिली, सक्सेस इन योर लाइफ, दिवाली इज ऑलवेज स्पेशल. दिवाली की बात करें तो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, ज्वेलरीज, लाइक यू नो, तो क्या इस बार क्या खास है? इनफैक्ट लाइक कुछ ज्वेलरी एंड यू आर योरसेल्फ अ डिज़ाइनर, इनफैक्ट लाइक तो कुछ ज्वेलरी की बात करते हैं हम, तो क्या बताना चाहोगे? आई थिंक जहाँ तक कि ज्वेलरी की बात है तो मेरी पसंद ऑनेस्टली ट्रेडिशनल ज्वेलरी है. क्लासिक पीसेज हैं जो कभी भी फैशन में आते जाते नहीं हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू स्टे. ज्वेलरी अब हर लोग हर कोई अलग नज़रिए से देखता है. कुछ लोग यूं ही खरीदते हैं फॉर फैशन, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदते हैं. जैसे कि आई बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन ज्वेलरी, क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो यू थिंक ऑफ द फ्यूचर. आप लोगों की बेटियां होते हैं, घर में शादियां होती हैं, कहीं ना कहीं ज्वेलरी ऑलवेज इस्तेमाल होता है. तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. आप अभी ख़रीदो, वही चीज़ आपको 20 साल बाद दुगनी या तिगनी अमाउंट में मिलेगी, विच प्रॉबेबली देन एट दैट टाइम यू कान अफोर्ड. मैं ऑलरेडी आई हैव अ सन एंड आई हैव अ डॉटर, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तो मैं अभी से ही कलेक्ट करना शुरू करती हूँ. क्योंकि यही होता है कि आगे जाके फिर एकदम से जब ख़रीदना पड़ेगा तब लगेगा माई गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव. एंड अगर आप देखें दिवाली के समय जब धनतेरस आता है तो एक एक रीति सी, एक एक रीति रिवाज सी बन गई है कि शगुन के तौर पे या शुभ माना जाता है कि आप थोड़ा सा सोना खरीदो या थोड़ी घर के लिए, चाहे वो चांदी के बर्तन हो या कुछ हो ऐसा, कि घर में बोलते हैं लक्ष्मी आती है. आई बिलीव इन दैट बिकॉज टू अ सर्टन एक्सटेंट आई फील पुराने ज़माने में ना बैंक्स वैंक्स होते थे, ना ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती थी, तो लोग ज़्यादातर पैसे जमा करके सोना खरीद लाते थे या कुछ, क्योंकि सबको मालूम होता था कि सोना अल्टीमेटली इंक्रीज ही होगा, कभी उसका दाम घटेगा नहीं, तो इट्स ऑलवेज एन एसेट. तो आई थिंक दैट पर्पस इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल बाय ज्वेलरी. सो फॉर मी इट्स ऑल्सो अ स्टाइल स्टेटमेंट एंड इट्स एन इन्वेस्टमेंट. रवीना, बचपन की क्या कुछ यादें हैं दिवाली को लेके, पटाखे जलाना, मिठाइयां खाना, क्या? ज़्यादातर मुझे इतना पटाखों का जस्ट सेदा रह गया ना, आई एम सॉरी, ज़्यादातर मुझे इतने पटाखों का शौक नहीं था.